राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा गुरुवार को मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा आयोजित मेगा मॉक ड्रिल के दौरान गोरखपुर जिले के बाढ़ और आपदा से होने वाली संभावित खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल के जरिए बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत सामग्री बांटने के लिए आपदा प्रबंधन के तत्वाधान में NDRF, SDRF, एयरफोर्स, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से अपनी अपनी तैयारियों के साथ दिखी। डमी तौर पर बाढ़ से बचने के लिए रूपरेखा बनाई गई, जिसमें संबंधित एजेंसियों ने बाढ़ के दौरान आने वाले संभावित खतरों को देखते हुए तैयारियों के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करती दिखी। इस दौरान गोरखपुर क्षेत्र में बाढ़ के दौरान अपने घरों में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए और उन तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की MI-17 हेलीकॉप्टर लगा रहा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के साथ ही एयरफोर्स ने बाढ़ प्रभावित लोगों को निकालकर तारामंडल स्थित सर्किट हाउस में बने हेलीपैड पर पहुंचाकर लोगों से को सेफ जोन में पहुंचाया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकालकर लाए गए लोगों को बसों में बैठाकर राहत शिविर में भेजा गया। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा आयोजित मेगा मॉक ड्रिल में NDRF, SDRF सहित विभिन्न विभागों ने किया अपने कार्य कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन। बाढ़ राहत कार्य में समय रहते बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने सहित उन्हें सकुशल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकालने के साथ ही उनके मवेशियों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने कहा,
आज ये एयरफोर्स प्रशासन और पुलिस और इसके द्वारा कंबाइंड मॉक ड्रिल की गई थी। इसमें जो है अभी MI-17 जो हेलीकॉप्टर था एयरफोर्स का, उसके साथ जो है जंगल सिकरी में फूड पैकेट गिराए गए और उसके बाद जो है राप्ती नदी में जो है डमी के साथ जो है ब्रंचिंग की गई। और उसके बाद जो है सर्किट हाउस हेलीपैड पे जो है अगर जो एक डमी जो बीमार लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया और गंतव्य तक पहुँचाया गया। एक मॉक ड्रिल थी, इसका उद्देश्य यही है कि जो है अगर बाढ़ या किस तरह की आपदा आती है तो उसमें जो है कैसे लोगों की मदद की जाए और जनहानि को रोका जाए।